वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग गाइस। तो गाइस अगर आप भी स्टूडियो मास्टर का मिनी 6 मिक्सर लेने के बारे में सोच रहे हो, लेने से पहले ये वीडियो देख लो, नहीं तो बहुत पछताओगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मिक्सर में आपको 6 इनपुट देखने को मिल जाएंगे और 2 इसमें लेफ्ट और राइट के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। मैं वीडियो में बताऊंगा कि इसका क्या यूज़ है। ये आपका माइक हो गया, इसमें माइक लगेगा, ये लाइन हो गया, आप लैपटॉप लगाओ या मोबाइल लगाओ, गैंग वॉल्यूम हो गया, उसी के नीचे आपको HF का फ्रिक्वेंसी वॉल्यूम दिखाई देगा, उसके नीचे आपका लो फ्रिक्वेंसी, उसके नीचे आपका इको का फ्रिक्वेंसी वॉल्यूम, और ये आपका हो गया चैनल 1 का मास्टर वॉल्यूम। सभी के लिए आपको गैंग देखने को मिलेगा, लेकिन यही लेफ्ट और मोनो के ऑप्शन में आपको गैंग वॉल्यूम नहीं देखने को मिलेगा। अब क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। तो आप लोग देख लीजिए, इसमें एक राइट का ऑप्शन है, एक लेफ्ट का ऑप्शन है, जिसमें गैंग आपको नहीं दिखाई देगा। लेफ्ट में अगर लगाते हैं तो आपका आउटपुट सिर्फ लेफ्ट से निकलेगा, राइट से नहीं आउटपुट होगा। वही राइट में लगाते हैं तो आपका आउटपुट सिर्फ राइट से रहेगा, लेफ्ट से नहीं होगा। और इसमें गैंग का वॉल्यूम नहीं दिया है, लेकिन आपको यहाँ पर HF फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी और इको के लिए भी ऑप्शन दिया है, और मात्र इसमें मास्टर वॉल्यूम दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको इको के लिए ऑन ऑफ का स्विच दिया है, उसी के ऊपर पावर इंडिकेटर है, और वहीं देखें तो यहाँ पे आपका डेली हो गया, उसी के नीचे रिपीट का वॉल्यूम दिया है, उसी के नीचे आपका मेन जो मास्टर इको का मास्टर वॉल्यूम होता है दिया हुआ है। ये 3 वॉल्यूम आपका हो गया इको के लिए। यहीं राइट चैनल के लिए मास्टर वॉल्यूम हो गया, जो कि देख सकते हो ये राइट का मास्टर वॉल्यूम हो गया। यहाँ पे सिग्नल दिया है अलग अलग चैनल के लिए, और पीक का भी इंडिकेटर दिया हुआ है। तो सामने से लुक कुछ ऐसा है, और क्यों नहीं लेना चाहिए वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बैक पैनल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टूडियो मास्टर मिनी 6 लिखा हुआ दिखाई देगा। ये आपका पावर ऑन ऑफ का स्विच हो गया, जो कि क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। और आप लोग ध्यान से देखेंगे तो फ्यूज़ इसमें लगता है, इसके अंदर फ्यूज़ लगता है, बहुत में बाहर से आता है कसने वाला, बट इसमें फ्यूज़ लगता है, और इसमें पावर कॉर्ड लगता है, इसमें वायर साथ ही में है, पावर कॉर्ड लगता है, तो वो भी आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। और मिक्सर के बारे में पूरा डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है, और ये मेड इन चाइना है, इंडिया का नहीं है। और ये रहा आपका पावर कॉर्ड जो इसमें लगेगा, और ये मिक्सर क्यों नहीं लेना चाहिए, चलिए उसके बारे में भी अब जान लेते हैं। तो इस मिक्सर में सबसे बड़ी कमी क्या है, ये मिक्सर तो आप लोग देख ले, लुक में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसमें एक कमी है, माइक में लगाएंगे ना, अगर वॉल्यूम आपका गेंग का मान लीजिए हाफ वॉल्यूम भी रहेगा ना यहाँ तक ले, और उसके बाद मास्टर वॉल्यूम थोड़ा सा भी खोलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आउटपुट देखने को मिलेगा। वहीं अगर मोबाइल से बजाते हैं या लैपटॉप से, तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है ना कि आपको गेंग का वॉल्यूम है ना, गेंग का वॉल्यूम जो देख रहे हैं लाइन में, पूरा खोलना पड़ता है, मतलब पूरा से हल्का सा कम रखना पड़ता है, तब उसके बाद HF और लो फ्रिक्वेंसी अच्छा काम करता है, लेकिन वहीं आपको नीचे का जो मेन वॉल्यूम होता है आपको खोलना पड़ता है, तब ये सही चलता है। अगर आप लोग मान लीजिए यहाँ तक रखेंगे और मोबाइल से या लैपटॉप से चला रहे, तब बहुत ज़्यादा कम वॉल्यूम आता है सभी चैनलों में, सही ये नहीं कि सिर्फ एक ही चैनल में, सभी चैनलों में। अगर माइक चलाते हो तो आपका सही वॉल्यूम आता है, वहीं अगर मोबाइल या लैपटॉप से चलाएँगे तो बिल्कुल भी सही वॉल्यूम नहीं आता है, क्योंकि मैं ये ज़्यादा दिन से यूज करूँ, ये लेकर हम लोग खुद ही फंसता रहे हैं, और बहुत कमी जगह पर इसको ले कर जाते हैं, और ज़्यादा वॉल्यूम खोलने की वजह से आवाज़ फटने भी लगता है। तो भाई मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ये मिक्सर लो। अगर ये मिक्सर आपके पास है और आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे ही मिक्सर में है कि आप सभी के मिक्सर में ये प्रॉब्लम है। तो भाई लेने से पहले सोच लेना 10 बार कि ये मिक्सर ले कि नहीं। और मैंने इसको 3200 में ऑनलाइन परचेस किया था। तो उम्मीद करता हूँ गाइस इस वीडियो से आपको नॉलेज ज़रूर मिला होगा थोड़ा बहुत। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये मिक्सर आपके पास है कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद, वंदे मातरम।